तो ये जो वीडियो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग से है और ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 बना चुके हैं, आप लिंक में देख लीजिएगा या एंड पॉइंट में आपको मिल जाएगा वीडियो का एंड पॉइंट पर, ठीक है। हाँ, फर्स्ट पार्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर इज द मोस्ट डिपेंडेबल इमेटिक यूज टू एक्सपेल इंगेस्टेड पॉइजन इज, द आंसर इज सी। सी इज द इंट्रामस्कुलर एपोमॉर्फिन। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन नंबर इज इन अ कॉन्सियस पेशेंट ऑफ पॉइजनिंग यूज ऑफ एन इमेटिक इज परमिसिबल इन केस द इंगेस्टेड पॉइजन इज, द आंसर इज ए फेरस सल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 3 क्वेश्चन नंबर, द मोस्ट इफेक्टिव एंटी मोशन सिकनेस ड्रग सुटेबल फॉर द शॉर्ट ट्रिप जर्नीस इज, द आंसर इज डी हायोसिन, हायोसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 4 क्वेश्चन नंबर, इन केस ऑफ हिल जर्नी एंटी मोशन सिकनेस ड्रग्स आर बेस्ट एडमिनिस्टर्ड एट, द आंसर इज बी 1 आवर बिफोर कमेंसिंग जर्नी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 5 क्वेश्चन नंबर, क्लोरप्रोमाजीन एंड इट्स कॉन्जिनर्स सप्रेस वोमिटिंग ऑफ फ्लोइंग इटियोलॉजिस, इटियोलॉजिस एक्सेप्ट, द आंसर इज ए मोशन सिकनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 6 क्वेश्चन नंबर, चूज द फिनोथायजिन कंपाउंड विच हैज सिलेक्टिव लेवरन, सॉरी सिलेक्टिव लेविरैंथिन सप्रेसेंट एक्शन इज यूज्ड फॉर वोमिटिंग एंड वर्टिगो बट नॉट इन अ सीजोफ्रेनिया, द आंसर इज बी प्रोक्लोर पेराजिन, प्रोक्लोर पेराजिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 7 क्वेश्चन नंबर, मीटोक्लोर क्लोप्रामाइड हैज द फ्लोइंग एक्शन एक्सेप्ट इंक्रीजेस टोन ऑफ पैरालोरिक स्पिंटर। ओके, स्पिंटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 8 क्वेश्चन नंबर, मीटोक्लोप्रामाइड ब्लॉक्स एपोमॉर्फिन इंड्यूस्ड वोमिटिंग, प्रोड्यूस मसल डायस्टोनिस एंड इंक्रीजेस प्रोलैक्टिन रिलीज, इंडिकेट दैट इट हैज, द आंसर इज टी एंटी डोपामिनर्जिक एक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 9 क्वेश्चन नंबर, एक्टिवेशन एक्टिवेशन ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट इन अ मैग्नेटिक न्यूरॉन्स बाय मेटोक्लोप्रामाइड इज प्राइमली रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेंस्ड एसिटाइल कोलाइन रिलीज, इम्प्रूविंग गैस्ट्रिक मोटिलिटी, द आंसर इज सी सेरोटोनर्जिक 5-HT4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 10 क्वेश्चन नंबर, सेलेक्ट द प्रोकाइनेटिक एंटी इमेटिक ड्रग व्हिच एट रिलेटिवली हायर डोज ब्लॉक्स बोथ डोपामाइन D2 एज वेल एज 5-HT3 रिसेप्टर एंड इनहेंस एसिटाइल कोलाइन रिलीज फ्रॉम मैग्नेटिक न्यूरॉन्स, द आंसर इज सी मेटोक्लोप्रोमाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 11 क्वेश्चन नंबर, द 11 क्वेश्चन नंबर इज व्हिच प्रोकाइनेटिक ड्रग प्रोड्यूस एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट, द आंसर इज ए मेटोक्लोप्रोमाइड। ओके, देन 12 क्वेश्चन नंबर इज द प्रो गैस्ट्रोकाइनेटिक एक्शन ऑफ द फ्लोइंग ड्रग इज एटेन्यूएटेड बाय द एट्रोपिन, द आंसर इज डी बोथ बी एंड सी, बी इज मेटोक्लोप्रामाइड एंड सी इज सिसाप्राइड। ओके, नेक्स्ट
Next question number is 13 question number. A patient returning from 13 question number. A patient returning from dinner party meeting meets with road accident and has to be urgently operated upon under general anesthesia. Okay, anesthesia वो होता है सुन करने का, जो बॉडी को सुन किया जाता है ऑपरेशन वगैरह के लिए, तो एनेस्थेसिया यूज किया जाता है. विच ड्रग कैन बी इंजेक्टेड इंट्रामस्कुलरली टू हैस्टन हिज गैस्ट्रिन इम्पटी. ओके, इम्पटी द आंसर इज सी, मेटोक्लोप्रोमाइड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 14 क्वेश्चन नंबर. Select the correct statement regarding the anti-emetic efficacy of the three prokinetic drug metoclopramide, domperidone and sisapride. The answer is B. Metoclopramide is the most effective. Metoclopramide jo hota hai wo zyada effective hota hai. Okay. And next question number is 15 question number. Which anti-emetic selectively blocks levodopa induced vomiting without blocking its anti-Parkinson action. The answer is C. Domperidone gas may be used होता है, ठीक है? Gas वगैरह में. The next question number is 16 question number. Okay. The following prokinetic drug has been implicated in causing serious ventricular arrhythmias, particularly in patient concurrently receiving erythromycin or itraconazole. The answer is B. Sisapride. Okay. Next question number is 17 question number. Indicate the drug which does not improve lower esophageal sphincter turn or prevent gastroesophageal reflux, but is used as first line treatment of gastroesophageal reflux disease. The answer is B. Omeprazole. Omeprazole gas ka use hota hai. Okay. Then next is 18 question number. Select the drug which afford relief in gastroesophageal reflux by the increasing lower esophageal sphincter turn and promoting the gastric impetus but without affecting acidity of gastric content. The answer is D, both B and C. B is metoclopramide and C is sisapride. Okay, next question number is 19 question number. The fastest symptomatic relief as well as highest healing rate in flux esophagitis are obtained with proton pump inhibitor. The answer is proton pump inhibitor. Okay. See, next question number is 20 question number. Prokinetic drug severe the following purpose in gastroesophageal reflux disease. Gastroesophageal reflux disease. The answer is A. Reduce reflux in gastric content into the esophagus. Okay. Next question number is 21 question number. Sisapride enhance the gastrointestinal motility. The answer is A. Activation serotonin 5-HT4 receptor. Okay. The answer is A. Next question number is 22 question number. The most effective anti-emetic for the control of cisplatin-induced vomiting is, the answer is B. Ondestrone. Ondestrone जो होता है, अगर आपको vomiting जैसा लग रहा है, तो आप ondestrone use कर सकते हैं, या किसी का होता है कि बस वगैरह में या गाड़ी में, किसी भी गाड़ी में अगर चाने लगता है उल्टी टाइप से लगता है या ज्यादा खा लिए तो वो वोमिटिंग टाइप से लगता है, तो उसमें आप ऑंडेस्ट्रॉन जो है वो आप लेकर के रख सकते हैं, और अगर आपको वोमिटिंग लग रहा है तो इससे आपको कंट्रोल हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 23 क्वेश्चन नंबर.
select the antiemetic that prevents the activation of anti and ametogenic effect in the gut, their central relay in chemoreceptor trigger zone. Nucleus tractus solitarius, no effect on gastric motility. The answer is A, ondansetron. ऑन्डेस्ट्रॉन का यूज हम बताएं कि मोवेटिंग अगर हो रहा है तो उसमें आप यूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 24 क्वेश्चन नंबर. ग्रैनिसेट्रॉन इज अ एंटीमेटिक फॉर कैंसर केमोथेरेपी. द आंसर इज सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 25 क्वेश्चन नंबर. ऑन्डेस्ट्रॉन इज अ इफेक्टिव इन द फ्लोइंग टाइप ऑफ वोमेटिंग. The answer is D, all time. A is cisplatin induced, B is radiotherapy induced, and C is postoperative. Okay, next question is question number is 26 question number. Ondansetron blocks ematogenic impulse at the flowing site. The answer is D, all. A, kiski site pe vessel afferent in intestine, and B is nucleus tractus solitarius, and C is chemoreceptor trigger zone. ये सब क्या है? साइट है. ओके, ये सब क्या करता है? ब्लॉक्स करता है. Then next question number is 27 question number. Choose the correct statement about ondansetron. इसको करेक्ट स्टेटमेंट चूज कीजिए. ऑन्डेस्ट्रॉन का जो है द आंसर इज बी, इट सप्रेस पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग. वोमिटिंग आने से पहले नोजिया टाइप से फीलिंग होता है उसी होगा. ठीक है, द नेक्स्ट इज 28 क्वेश्चन नंबर. Cancer chemotherapy induced vomiting that if not controlled by metoclopramide alone can be suppressed by vomiting it with. The answer is B, dexamethasone. Dexamethasone जो होता है वो dexona होता है, जो कि अगर बॉडी में रिएक्शन वगैरह हो रहा है तो इसको आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट इज 29 क्वेश्चन नंबर. Prolonged treatment with the flowing drug can promote dissolution of gallstones if the gallbladder is functional. The answer is A, ursodeoxycholic acid. Ursodeoxycholic acid. The answer is A. Okay. The part is two part. Okay, next part is three. इसको जरूर देखिएगा. ठीक है, and share और subscribe जरूर कीजिए. तब तक के लिए बाय. Next part में मिलते हैं.